जी मेरा नाम है शिवानी सर, मैं अमेरिका कैंडिडेट हूँ जी। मैं अरे तो मैं जीत गई थी 107 वोट थे, तो इन्होंने हारा साबित कर दिया मुझे। तो हम यहाँ पे अपना अधिकार, अपना जीत हासिल करने के लिए आए, अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए आए जी। सर वो इसी को तो कही थे कि भाई हमें दोबारा से वो करवाओ, हमें हमारा प्रमाण पत्र दो, वो कल मिलना था। तो इन्होंने ऐसे कह देते कल ले जाओ, तो हम आ जाए, नहीं मिला नहीं अभी तक। बक्से सवेरी सील टूटी मिली बक्सों की, दूसरा अधिकारी बैठा उनने गड़बड़ कर दी। बस सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि हमें हमारा प्रमाण पत्र दे दे, बस बक्सा क्यों तोड़ा, क्यों ऐसे 420 करे ये। मेरा नाम नरेश, सुल्तानपुर हटाना। ऐसा है जी, ग्राम प्रधान के जो मेंबर बनते हैं उनका चुनाव हुआ था, जो दूसरी पार्टी है उसको तो कल दे दिया सर्टिफिकेट, इनको नहीं दिया गया। जो मेरे गांव के सचिन उर्फ भीम प्रधान है, उनकी ये मेंबर है लड़की, तो इसको इनको सर्टिफिकेट कल देने चाहिए थे लेकिन नहीं दिए। ये आज सर्टिफिकेट लेने के लिए आए, रात डीएम के पास भी गए, और जब डीएम के पास गए तो डीएम ने आश्वासन दिया भाई कल हम जो होगा वो ठीक कराएंगे, कोई बात नहीं। वहाँ से चले आए आश्वासन लेने के बाद, उसके बाद फिर ब्लॉक में आज सुबह मॉर्निंग आ जाते हैं, लेकिन अधिकारियों का आने का समय यहाँ 8-10 बजे होगा, 7 बजे पेटी तोड़ता हुआ क्यों मिला? वो अधिकारी जो विनोद कुमार को शर्मा है, उसने वो पेटी तोड़ते हुए क्यों मिला? हमारे आदमी जब आए उनसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोला जी ऐसे बैठा हूँ, उनका वीडियो भी बना लिया, सब कुछ हमारे पास इनके पास है, हम प्रूफ करेंगे। ऐसे अधिकारी को उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे की तो सच्चाई तो यह है कि सेवा समाप्त की जाए, क्योंकि ये ऐसे बदमाश यहाँ बैठ करके गुंडागर्दी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका मौलिक अधिकार है, वो लड़की पहली बार चुनाव लड़ी है, वो चुनाव हराने के लिए इन्होंने साजिश रच रहा है बैठ करके। उससे फ़ोन किया कि भाई तुम कहाँ हो, बोला मैं जैनली बलानी हूँ, जैनली बलानी नहीं मिला, लेकिन बोला एक कब आओगे, एक घंटे में आएंगे, लेकिन एक घंटे में नहीं आकर के अंदर देखा तो अंदर बैठा हुआ है, पेटी खोले हुए मिला, सील तोड़े हुए मिला। वो ऐसे गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? वो ये बेईमाना भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम सीमा पर पहुँच गए जी। अभी 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 उसको बोला है, अभी आएंगे अधिकारी, आ रहे हैं और भी आ रहे हैं, पुलिस को भी बोला है। संजय जी यहाँ ब्लॉक में आए, क्या मामला है? बट्टू में हेरा फेरी है जी, इलेक्शन था मेंबरी का, इलेक्शन तो 12 तारीख का था, कल गिनती थी, गिनती में हम जीत गए, बाद में प्रमाण पत्र हमें दिया नहीं, कहला कल मिले, शाम के टाइम बताया वो वे जीत गए, हमारे निशान बदल दिए, मेरा निशान ओखड़ी का था, उन्हें ओखड़ी का दे दिया, उसका आम का था, मुझे आम का दे दिया। देर रात डीएम आवास पर पहुंचे? हाँ डीएम आवास पर पहुंचे। तो वहाँ से क्या आश्वासन? वहाँ से आश्वासन नहीं मिला जी, कल ठीक करवा देंगे। अब सुबह हम 8 बजे आए तो यू आर ओ है जो विनोद कुमार, यू लॉक खोल गया बक्से का, तो उसमें हेरा फेरी कर रहा था, वीडियो है हमारे पास, बक्सा खुला पड़ा। अभी तो देखो जी बात चल रही, अभी तो कुछ आश्वासन है नहीं। 23 से जी, 138 वोटों का इलेक्शन था। बिजभूषण सिंह, निर्वाचन अधिकारी बागपत। हाँ उनका कहना सही है, वो गलती से जो है आरओ से प्रपत्र भी देखे गए हैं उनका, उन्होंने जो प्रत्याशी जीता है उसको प्रमाण पत्र न देकर जो है जो गणना पर्ची पर उन्होंने जो है चुनाव चिन्ह के आधार पर उन्होंने जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके हाथ में प्रमाण पत्र दे दिया है, तो वह जाँच करके देखा गया है वो चीज़ें सही हैं, और वह उसका प्रमाण पत्र कैंसिल करके जो है जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ये सब आरोप नहीं है, सिर्फ वही है कि जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके हाथ में प्रमाण पत्र इनको द्वारा, हाँ ये लापरवाही मानी जाएगी, ये तो शुद्ध लापरवाही है जो है, अब उनके खिलाफ़ रिपोर्ट भेजी जाएगी जिलाधिकारी महोदय को। ये लापरवाही एआरओ की है, एआरओ साहब की लापरवाही है, इसमें जो है ये लापरवाही हुई है। Thank you.